भी आई थी कि आपका आखिरी अज है, आप सबने ऐलान कर दो। तब रसूल खुदा ने सबने ऐलान किया कि आओ आओ, मेरा आखिरी हज है, जिसको मेरे साथ आना है, चलो मक्का हम हज करके आते हैं। रास्ते में वो चल रहे थे, तभी वहाँ पे एक गदीरे घूम करके जगा दी, जिधर बहुत बड़ी नहर थी और वहाँ पे एक पहाड़ था, तो वहाँ पे उन लोग रुके थे। फिर जैसे ही वो मक्का पहुँचे, वो काबे का तवाफ करने लगे, सफा मरवा पे जाने लगे। फिर जैसे ही वो पीछे आ रहे थे अपने घर की तरफ, मदीना की तरफ, तभी वहाँ पे एक गदीरे घूम करके जो जगह थी, उधर उनको बहुत प्यास लगती है, तो वहाँ पे उन लोग रह जाते हैं। रसूल खुदा ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे एक चटाई बिछा दो, और फिर वहाँ पे वो एक मेंबर में बैठते हैं और सबको बताते हैं, आज मैं आपको मेरा एक खलीफा बताने जा रहा हूँ, यानी मेरा पहला इमाम बताने जा रहा हूँ, और मेरे 12 इमामों के साथ बताऊँगा। पहले मैं ये हदीस पेश कर दूँ आपके सामने। हदीस रसूल खुदा ने बोली है कि याद रहे कि तुम लोग को मैं दो चीज़ छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, तो हमें दोनों चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर रसूल खुदा ने ये सब कहा। फिर उसके बाद रसूल खुदा ने इमाम अली के हाथ में लेकर उनको कहा, मन तो मौला हो फहादा अली उन मौला, मैं जिस जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। नारे हैदरी या अली। फिर सब जगह में ये फिजा गूंजने लगी कि मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला। और फिर जो जो खुश थे और जो जो एक दो तीन खलीफा थे वो बहुत नाराज़ हो गए, और जो जो शिया थे वो बहुत खुश थे। तो इमाम अली से आओ हम दुआ करें, ये बोलते हैं ना कि इमाम अली को दुआ जनाबे कुमैल ने उनको दिया था एक दुआ, वो परेशान थे तो उनको एक दुआ दी थी जिसका नाम था दुआ कुमैल, अभी भी उसका नाम दुआ कुमैल। आओ उसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के दिखो। अली वसीला बने और कुमैल पाए शिफा, उसी के नाम से मंसूब हो गई है दुआ, शबे जुमा है दुआ कुमैल शुक्र तेरा, ये इब्तिदा की हर एक दुआ हदीस किसा, इलाही तेरे रजा के सिवा कुछ और नहीं, और मेरे पास दुआ के सिवा कुछ और नहीं। जज़ाकअल्लाह।